एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल। मैं सृष्टि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। काफी टाइम से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि मैम ओ लेवल का जो कम्प्लीट सिलेबस होता है उसके बारे में बताइए कि जो चारों पेपर होते हैं उन चारों पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए। तो फटाफट आप सब अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु से जुड़ जाइए, इसको लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है। जिन भी लोग ओ लेवल कर रहे हैं उनको नहीं पता है और वो जानना चाहते हैं कि ओ लेवल के जो आपके चार पेपर होते हैं उन चारों पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ओ लेवल फुल फॉर्म। हम सब लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि ओ लेवल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता है, मतलब पता होता है जनरली, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अपने मतलब एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओ लेवल के फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं चीजें क्या। ओ लेवल का जो डी फुल फॉर्म होता है वो ऑर्डिनरी लेवल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो आपको एक संस्था जो कराती है ये आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये संस्था है नाइलेट की, जो कराती है आपका ओ लेवल का कोर्स। CCC, ओ लेवल, ये सारे जो कोर्सेज कराती है वो हमारी नाइलेट की संस्था है। तो नाइलेट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये संस्था जो है आपका कराती है ओ लेवल का कोर्स। तो नाइलेट की जो हेड ऑफिस है वो आपकी है न्यू दिल्ली, ठीक है। नाइलेट की हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, जो इसकी ब्रांचेज है वो है गोरखपुर में। इसके कुछ डिपार्टमेंट जो है आपके लखनऊ में भी विजिट करते हैं, वो लोग रहते हैं। तो ये चीज हो गया आपका कि ओ लेवल क्या है। ओ लेवल की नाइलेट संस्था है जो कि कराती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नाइलेट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही ये संस्था है जो ओ लेवल का ए लेवल बी लेवल सी लेवल ये कोर्सेज को वो प्रोवाइड करती है, ठीक। अभी हमने बात किया कि आज हम बात करेंगे कि ओ लेवल में जो आपके फोर पेपर होते हैं उन फोर पेपर्स में क्या क्या कंटेंट होता है, क्या चीजें हमें पढ़ना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे क्या। देखिए ये आपका है नाइलेट ओ लेवल का न्यू सिलेबस, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोग का इसके पहले, जो भी मैं आगे बताऊंगी कौन सा सिलेबस चेंज हुआ है, वो कौन सा सिलेबस क्या था पहले, वो क्या चेंज हुआ है। ओके, तो अभी वो कब से ये सिलेबस चल रहा है। तो नाइलेट का जो न्यू सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो आपका जो चार पेपर होते हैं डियर, उसमें सबसे पहला जो पेपर आपका होता है वो होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, ठीक। ये आपका पहला पेपर होता है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पूरा इसका पहला पेपर है। इसका जो होता है आपका M1R5 यानी कि मॉड्यूल 1 रिवीजन 5, ये आपका कोड होता है पहले पेपर का। M1 मतलब होता है मॉड्यूल, R मतलब होता है रिवीजन, ठीक है। तो इसका होता है M1R5 मॉड्यूल 1 रिवीजन 5, जिसका पहला पेपर का नाम है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स नेटवर्क बेसिस पहला पेपर है, इस पहले पेपर में हमें कितने टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है। चाहे आप ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो जो भी टीचर्स आपको स्टडी कराते हैं वो यही सारी चीजें आपको कराते हैं। तो अगर हमें पहले से पता होगा सिलेबस के बारे में तो हम हमारी जो तैयारी होगी वो और अच्छे से तरीके से हम कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस में कितने टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का क्या इतिहास है वो पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपका इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, मेमोरी सिस्टम हो गए, ये सारी चीजें आपको बताएं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ओके। फिर वर्ड प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। फिर स्प्रीड शीट पैकेज होता है आपका, प्रेजेंटेशन पैकेज है आपका, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ईमेल के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर है आपका सोशल नेटवर्किंग इन कन्वेंस, ठीक है, डिजिटल फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। मतलब आपके जो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके इतने सारे टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में जो सारे कंटेंट होंगे वो सारे कंटेंट जब आप स्टडी करेंगे तो वो सारी चीजें आपको क्लास में बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, स्पीड शीट पैकेज में क्या पढ़ना है, वर्ड प्रोसेसिंग में क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। मतलब इस वीडियो का मतलब बस मेरा इतना ही है कि बच्चे काफी टाइम से पूछ रहे थे कि मैम ओ लेवल का सिलेबस बताइए मुझे, तो ये बस न्यू सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देख लेते हैं हमारा सेकंड पेपर कौन सा है। देखिए सेकंड आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ये आपका सेकंड पेपर है, जो हमारी वेबसाइट वगैरह सारी चीजें बनती हैं, पब्लिश होती हैं, वो सारी यानी वेब डिजाइनिंग आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग मतलब इसका होता है M2R5 यानी कि मॉड्यूल 2 रिवीजन 5, ये आपका पेपर कोड है सेकंड पेपर का वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। ओके, इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग का आपका इंट्रोडक्शन बताया, वेब डिजाइनिंग क्या है, कैसे ये आया, किसने इसको एस्टेब्लिश किया, ये सारी चीजें। फिर HTML आपका प्रोग्रामिंग है,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। ये आपकी प्रोग्रामिंग हाइपर एक लैंग्वेज है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, कोडिंग आपको करना होगा। फिर कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, यानी CSS का फुल फॉर्म आपका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसके बारे में आपको मिलेगा। फिर CSS फ्रेम, फ्रेम के बारे में मतलब कैसे बनाना है, क्या करना है, वो कोडिंग के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगी। ओके, जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर JSL, ये आपको बताया जाएगा। फोटो एडिटर कैसे क्या है वो आपको बताया जाएगा इसमें। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ये हमें टॉपिक मिलेगा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में पढ़ने के लिए, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। आई होप ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ। ओके, और बाकी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो डिस्क्रिप्शन में डियर कॉन्टेक्ट नंबर विजिट किए गए, आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहां से आप सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, जो भी अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो। ओके, अब देख लेते हैं जो हमारा थर्ड पेपर आ जाता है। थर्ड पेपर देखिए आपका है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। पाइथन क्या है, आपका एक लैंग्वेज है। अभी देखिए मैंने कहा न्यू सिलेबस, तो पहले क्या था कि पहले हम लोग पाइथन की जगह पे पढ़ते थे सी लैंग्वेज, ठीक है, पहले हम लोग पाइथन की जगह पे पढ़ते थे सी लैंग्वेज। ये आपका पहले से लेकर के 2019 तक हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते थे, पाइथन की जगह पे सी लैंग्वेज की कोडिंग करते थे। लेकिन अभी क्या है कि ओ लेवल का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस 2019 के आपके जुलाई सेशन से आपका सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसमें जो है कि सी लैंग्वेज को हटा करके कर क्या दिया आपका पाइथन लैंग्वेज। तो अब क्या होता है 2019 से हमें पढ़ना पड़ता है पाइथन लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये आपका हो गया है सिलेबस चेंज। ओके, तो अब हम लोग ओ लेवल का जो तीसरा पेपर है आपका M3R5, ठीक है, ये आपका है M3R5 यानी कि मॉड्यूल 3 रिविजन 5, ये हम लोगों को इसमें सी की जगह पे पाइथन पढ़ना होता है, ये है सिलेबस आपका चीज। अब देख लेते हैं कि जो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये तो पेपर का नाम हो गया डियर, अब इसके अंदर हमें क्या कंटेंट पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। ओके, इसमें देखिए पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग वेब पाइथन का क्या बेस है वो आपको बताया जाएगा। ओके, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो फ्लो चार्ट होता है उस फ्लो चार्ट को बनाने से हम अपनी जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्राम को रन कराते हैं, वो हम काफी अच्छे तरीके से रन करा पाते हैं, थोड़ा सा आसान होता है, ये चीज आपको बता दे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में बताया जाएगा, ऑपरेटर्स के बारे में बताया जाएगा, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, कैसे कहाँ पे कौन से चीज का कौन सा हमें स्टेटमेंट यूज करना चाहिए जो हमारी किसी भी कोडिंग को वो आपका वहाँ पे बेस्ट पड़े, उस चीज के लिए आपको ये बताया जाएगा। फिर सिक्वेंस एंड सेक्वेंस डेटा टाइप्स बताया जाएगा आपको, फंक्शन क्या है ये चीज बताया जाएगा इसमें, फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स क्या है, NumPy बेसिस ये आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है उसमें आपको पाइथन थर्ड पेपर यानी Module 3 Revision 5 में हमें ये सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है। ओके, जब आप कहीं पढ़ेंगे किसी इंस्टीट्यूट में, अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर ओ लेवल करने की सोच रहे हैं, तो आपको अगर पहले से थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया होगा डियर, तो आप आराम से जब पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आप एक बार नाम सुने रहेंगे, जब एक बार नाम सुने रहेंगे, जब आपके पास वो चीज दोबारा आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने एक बार नाम सुना, तो आपको वो चीज थोड़ी अच्छे समझ, बाकी आप जितने अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे आपका बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये था हमारा थर्ड पेपर, हमें प्रोग्रामिंग में पाइथन में ये सारे टॉपिक पढ़ना। ओके, चलिए देख लेते हैं लास्ट एंड हमारा फोर्थ, जो हमारा फोर्थ पेपर होता है वो आपका होता है Module 4 Revision 5, ठीक है, ये आपका पेपर कोड होता है फोर्थ पेपर का, जो हमारा ओ लेवल में चौथा पेपर है, पढ़ना पड़ता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपका न्यू सिलेबस आया है, ठीक है। पहले क्या था 2019 तक आपका IoT रिसोर्सेस करके था, ठीक है, IoT रिसोर्सेस की जगह पे चेंज होकर के आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका फोर्थ पेपर है ओ लेवल में पढ़ना। अब इस जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस एप्लीकेशन है, अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, इसमें आपका सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू IoT, IoT का फुल फॉर्म यही आपका होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इट्स एंड एप्लीकेशन। ओके, ये आपको बताया जाएगा। फिर थिंग्स एंड कनेक्शंस कैसे, ये आपको बताया जाएगा। सेंसर्स एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स क्या है, कैसे मतलब आजकल जो भी सारी चीजें होती है उसको माइक्रो कंट्रोलर के अकॉर्डिंग कैसे चीजें की जाती है वो आपको इसमें बताया जाएगा, ये आपका थर्ड टॉपिक है। ओके, फिर आपका बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम्स। ओके, फिर सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपका, अगर आप चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं चाहे कुछ भी, तो इसे यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस में आपको सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में
भी बताया जाएगा। तो ये था हमारा ओ लेवल का कंप्लीट सिलेबस। ओ लेवल में टोटल आपके चार पेपर होते हैं डियर। इन चार पेपर के आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी होते हैं। और एक मजे की बात बता दें आप लोगों को कि ओ लेवल का जनवरी 2025 में एग्जाम होने वाले हैं। तो ओ लेवल के जो अभी आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, हमारे काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई है कि ओ लेवल का लेटेस्ट आपका न्यूज आया था। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था वो लोग अपना पेपर लॉक करने की डेट भी आ चुकी है, जो कि 21 तारीख से लेकर के 11 नवंबर तक लास्ट डेट है। वो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना पेपर लॉक कर ले ताकि वो जनवरी 2025 में अपने चारों पेपर को क्वालिफाई करें बहुत ही अच्छे लेवल से। ओके, इसमें आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा आपके चारों पेपर एंड चारों प्रैक्टिकल। जो भी आपको करना होगा वो, चाहे आपको एक पेपर देना हो आप एक पेपर फिल कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको कि मैम जो चारों पेपर होते हैं उसकी एग्जाम फॉर्म फीस क्या लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं डियर आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ओ लेवल में टोटल आपके होते हैं चार पेपर, ठीक है ये जो आपके चार पेपर होते हैं इसमें आपका चार प्रैक्टिकल भी होता है प्लस आपके चार थ्योरी होते हैं। ठीक है ये चार प्रैक्टिकल होते हैं, चार थ्योरी के पेपर होते हैं, चार आपके प्रैक्टिकल होते हैं, ये होते हैं आपके। तो जो चारों आपके टोटल पेपर होते हैं, ठीक है, इसमें आपके हम अगर चार पेपर होंगे, चारों पेपर का मतलब हो गया आपका चार पेपर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं प्लस चार आपके थ्योरी के होते हैं, यानी टोटल आपके हो जाएंगे एट पेपर। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके टोटल आपके आठ पेपर होंगे। तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम अगर पेपर दे रहे हैं तो अगर मुझे एक पेपर फिल करना तो उसकी फीस क्या लगेगी, अगर हमें दो पेपर फिल करना उसकी फीस क्या लगेगी, अगर हमें तीन पेपर फिल करना तो उसकी फीस क्या लगेगी, अगर हमें चार पेपर फिल करना है तो उसकी फीस क्या लगेगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जो आपके पेपर लगते हैं उसकी एग्जाम फॉर्म की फीस जो लगती है वो आप लोग लगे अगर आप एक पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो आपकी फीस लगेगी, ठीक है, एक पेपर की अगर आप फीस करते हैं तो आपकी लग जाती है डियर 1100 रुपए। ठीक है, 1100 रुपए आपका ऐसे अगर आप खुद से करते हैं तो आपका 1100 लगेगा। अगर आप सेल्फ करते, अगर आप खुद से अपना नायरा की साइट पे जाकर के, जो आपकी साइट है student.nailed.gov.in इस साइट पे जाकर अगर आप खुद से करते हैं तो आपको फीस पे करना होगा 1100 रुपए। ओके, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट क्या लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत अपना इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत बढ़ा के लेते हो, ताकि अगर आप खुद से करते हैं तो आपका 1100 रुपए एक्चुअल फीस लगती है। ओके, अगर आप दो पेपर देते हैं सपोज दैट, तो आपके दो पेपर की जो फीस लग जाती है वो आपकी लग जाती है डियर 2100 रुपए। ठीक, तीन पेपर की फीस आपकी लग जाएगी 2100 रुपए। अगर आप चार पेपर एक साथ देते हैं तो आपकी लग जाती है 4100 रुपए। ठीक है, ये आपका एग्जाम फॉर्म फीस। अगर आप खुद से एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो ये आपकी एक्चुअल फीस है, बाकी आप अगर इंस्टीट्यूट से कराते हैं तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट फीस लेता हो उसके अकॉर्डिंग आपका मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओ लेवल का। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर विजिट किए गए हैं, उस कॉन्टेक्ट पे जाकर के। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया डियर तो आप इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। ओके, बाकी किसी क्वेश्चंस के लिए दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप विजिट करिएगा। बाकी आपको ओ लेवल की, हमारे इस यूनिक परिवार पे आपको ओ लेवल की क्लासेस भी चल रही है जनवरी 2025 के लिए। आप आराम से जाकर के अपने जनवरी 2025 की क्लासेस भी कर सकते हैं कंप्लीट क्लासेस के साथ। ओ लेवल संकल्प बैच के नाम से प्ले स्टोर से यूनिक ग्रुप ऐप को डाउनलोड करना और बढ़िया तरीके से आपको ओ लेवल का बैच ज्वाइन करके ओ लेवल की क्लासेस करनी। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू।